सरिता महेश्वरी। आज हमारा वीडियो नंबर 4, 45 डेज का जो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसका डे 4। अब तक हमने सीखा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस कमांड्स दी जाती हैं। तीन तरीके के सेंटेंस हमने सीखे, जिसमें पहले सेंटेंस में हमने बेस वर्ब को यूज करके छोटे सेंटेंसेस बनाए। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि जो डे 3 का वीडियो था उसमें हमने देखा कि कैसे स्टॉप और डोंट का यूज करके किसी काम को न करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और आज हम चौथे तरीके के इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स वाले सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें लेट का यूज होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। लेट के जिसका मतलब होता है करने दो, लेट का मतलब करने दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है मुझे वहां जाने दो, उसे ये करने दो, उसे यहां आने दो, उसे वो लाने दो, मुझे ये लाने दो, मुझे ये बनाने दो, मुझे ये सीखने दो, मुझे यहां बैठने दो, उसे वो उठाने दो, तो ये सब सेंटेंसेस में आप लेट का यूज करते हैं। तो लेट के यूज का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या क्या यूज होंगे? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, या तो मी यूज होगा, या हिम यूज होगा, या देम यूज होगा, या हर यूज होगा। इनमें से कुछ अधिकतर 90% केसेस में यूज होते हैं। लेट मी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी एक वर्ब है क्लीन। लेट मी क्लीन द रूम, लेट मी क्लीन द रूम, बन गया सेंटेंस। उसे कमरा साफ करने दो तो लेट हिम क्लीन द रूम, ठीक है। उन्हें कमरा साफ करने दो, उन्हें क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल बहुवचन उन्हें, तो लेट देम क्लीन द रूम। उसे कमरा साफ करने दो, लेट हर क्लीन द रूम। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि आपको सेंटेंसेस में बहुत कॉमन वर्ड्स यूज करने होते हैं, वही वर्ड्स घूम फिर कर आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना होता है, कभी इस वर्ड वर्ब के साथ ये वर्ड्स, इस वर्ब के साथ ये वर्ड्स। और ये मैं बार बार अपने हर वीडियो में बात कहती हूँ। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ कि आपको ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी लैंग्वेज है और इस पे मास्टर किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, फ्लुएंसी अटेन की जा सकती है। बस एफर्ट्स अपने लगाए रखें, करे रखें। तब चलिए तब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन शब्दों को जो आपके सामने हैं इनको हम लेते हैं और इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले है ब्रेक। मुझे ये नारियल तोड़ने दो तो लेट मी ब्रेक द कोकोनट, क्या सेंटेंस बना? लेट मी ब्रेक द कोकोनट, लेट मी ब्रेक द कोकोनट। अब नेक्स्ट है क्लीन, लेट मी क्लीन द रूम। अर्न, उसे कुछ कमाने दो, लेट हिम अर्न सम मनी। अर्न मने कमाना, जैसे आप घर में कोई यंग है, यंग बॉय है, या यंग बॉय मतलब कोई 20-25 का लड़का, साल का लड़का है, काम धाम नहीं कर रहा, तो आप उस सिचुएशन में लेट हिम फर्स्ट अर्न समथिंग, देन वी विल थिंक अबाउट हिज मैरिज। तो लेट हिम, हिम मने उसे, अर्न समथिंग, लेट हिम अर्न समथिंग। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो लेट हिम अर्न मनी, लेट हिम अर्न सम मनी। तो बहुत इजी सेंटेंस था। नेक्स्ट है इरेज। अब जैसे मैं यहां पे बार बार हटाती हूं, मिटाती हूं और मैं आपको बीच बीच में कहती हूं, तो लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस। इंक्लूड, लेट मी इंक्लूड सम वर्ड्स रिलेटेड टू कुकिंग, तो मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिए,
तो लेट मी इंक्लूड, इंक्लूड मैंने शामिल करना या जोड़ना, जोड़ने के अलावा इसमें क्या हो सकता है, शामिल करना. तो लेट मी इंक्लूड सम वर्ड्स रिलेटेड टू कुकिंग. नेक्स्ट वर्ड इज इंप्रूव. लेट मी इंप्रूव माय हैंडराइटिंग बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग एक्चुअली बहुत खराब है. लेट मी इंप्रूव माय हैंडराइटिंग. नीड, नीड मैंने, देखिए मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है, और के बाद जब भी एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है और उसमें केवल एन का प्रोनंसिएशन आता है. फॉर एग्जाम्पल के एन ओ डब्ल्यू नो, के एन आई एफ ई नाइफ. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी. अब नीड, नीड मैंने गूंथना, क्या गूंथते हैं, आटा. तो नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर. बीट, लेट मी बीट द बैटर, बैटर मैंने घोल. लेट मी बीट, बीट मैंने फेंकना द बैटर. बैटर किसका, घोल किसका हो सकता है, डोसे का घोल हो सकता है, या आप पकौड़े बना रहे हैं उसका घोल हो सकता है, जिसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रहती है, गाढ़ा रहता है, तो उसको घोल को बैटर कहते हैं. उसके बाद में है सिफ्ट, सिफ्ट मैंने होता है छलनी से छानना. तो अगेन आप क्या छानते हैं, छलनी से सूखा आटा छानते हैं. तो लेट मी सिफ्ट द फ्लोर, लेट मी सिफ्ट द फ्लोर, लेट हर सिफ्ट द फ्लोर. इस वीडियो में हम किचन की वोकैबुलरी भी सीखेंगे और लेट के सेंटेंसेस सीखेंगे. दोनों चीजें देखिए साथ में हो रही है. रोस्ट, रोस्ट मैंने भूनना. ओके, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो जो हमने पहले वीडियो में हमने किया था, रोस्ट द आमंड्स या रोस्ट द कैश्यूज. कैश्यूज मैंने काजू, कुछ काजू, रोस्ट सम कैश्यूज, कुछ काजू को भूनो या रोस्ट करो. और यदि मुझे कहना है कि मुझे करने दो, तो मैं क्या कहूंगी, लेट मी रोस्ट सम नट्स, नट्स काजू बादाम सब आ जाता है इसमें. लेट मी रोस्ट सम नट्स. और अगर किसी को आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम ये करो, तो आप कहोगे रोस्ट सम नट्स. लेट मी आते ही करने दो, और बाकी सेंटेंस आपका एक जैसा है. नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर. मॉइस्चर मैंने होता है गीला करना. आप कई बार व्हेन यू नीड सम फ्लोर, आप उसका डो बनाते हैं, डी ओ यू जी एच, डी ओ यू जी एच. डो मैंने क्या होता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है डो. डो मैंने होता है गुथा हुआ आटा. तो मॉइस्चर अ पीस ऑफ क्लोथ एंड कवर इट, कवर द डो. कई बार आप आटा धूप के रखते हो, जैसे आप फुलका बनाने के लिए करते हो, या फिर आप छोले भटूरे में भटूरा बना के जो आटा रखते हो भटूरा बनाने के लिए, उसको आप पहले थोड़ा सा गीला, थोड़ी देर रखते हो, तो उसके ऊपर आप एक मॉइस्चर किया हुआ, गीला किया हुआ कपड़ा रखते हो, डंपन क्लोथ रखते हो. तो इसके लिए मॉइस्चर, गीला करना, तो मॉइस्चर अ पीस ऑफ क्लोथ एंड कवर द डो. नेक्स्ट है बॉयल. बॉयल सम वेजिटेबल्स, बॉयल सम नट्स, कई बार मूंगफली उबाली भी जाती है तो बॉयल. बेक, बेक अ केक. आप कई बार बोलते हैं आई एम मेकिंग अ केक, नो इट्स आई एम बेकिंग अ केक. जो चीज आप अवन में बना रहे हैं उसके लिए आप बेक शब्द यूज करेंगे. उसके बाद में है ग्राइंड. ग्राइंड मैंने पीसना, आप क्या क्या पीसते हैं, आप चटनी पीसते हैं, आटा पीसते हैं, तो ग्राइंड द फ्लोर, लेट मी ग्राइंड द फ्लोर. और चटनी को इंग्लिश में सॉस कहते हैं, तो लेट मी ग्राइंड द सॉस. मैश, मैश मैंने कुचलना, मैश द पोटेटोस. पोर, पोर मैंने उड़ेलना, एक चीज से दूसरी चीज में कोई चीज, लिक्विड को जब डालते हैं तो उसे उड़ेलना कहते हैं. व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग सम लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम वन यूटेंसिल टू द अनदर, आप उस समय क्या वर्ड यूज करते हैं, पोर. तो लेट मी पोर सम वॉटर इन टू द यूटेंसिल और इन टू द पॉट. विस्क मैंने फेंटना, आप क्या फेंकते हैं, आप क्रीम फेंकते हैं. व्हेन यू आर मेकिंग आइसक्रीम या कुछ भी आप ऐसा गाढ़ा ग्रेवी का कुछ बना रहे हैं, तो आप विस्क शब्द इसमें यूज करते हैं. फिर डाइस, किसी चीज के आप यदि छोटे छोटे क्यूबिकल क्यूब्स बनाते हैं, छोटे छोटे चौकोर टुकड़े करते हैं, जैसे आप पनीर का करते होंगे, तो उस समय आप क्या यूज करते हैं, डाइस. तो लेट मी डाइस द चीज. ठीक है, तो आई होप आपको लेट के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे. तो इसी के साथ
स्पोकन इंग्लिश के 45 डेज के प्रोग्राम में हमारे जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट आज यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें हम पोजेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड एट द सेम टाइम शेयर दिस। थैंक यू।